हरे कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राधे श्याम पर। तो दोस्तों, आज हम आए हैं इस्कॉन टेंपल वृंदावन। इस्कॉन टेंपल वृंदावन को श्री कृष्णा बलराम टेंपल के नाम से भी जाना जाता है और ये इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और एक बात और, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, एक दो हफ्ते से वीडियो नहीं डाल पाया मैं, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते एक वीडियो ज़रूर डालूँ। तो अभी हम बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं मंदिर के खुलने की, उसके बाद अंदर चल के आज आपको इस्कॉन के दर्शन कराऊंगा। और सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को यहाँ की जो लगती है वो है यहाँ का कीर्तन। मैं जब भी वृंदावन आता हूँ शाम के टाइम, मैं इस्कॉन मंदिर ज़रूर 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 जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? क्योंकि वहाँ का जो कीर्तन है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं वहाँ बैठता हूँ बहुत सुकून मिलता है मेरे को। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और आपको अंदर का दृश्य दिखाता हूँ मैं। अभी हम एंट्री कर रहे हैं, यहाँ से आप सीधे चल के उसके बाद लेफ्ट में हैं गेट, आप वहाँ से एंट्री कर सकते हो। और अभी सुबह का टाइम है तो भीड़ बहुत ही कम है, तो आप जब भी वृंदावन आए तो ज़रूर एक बार इस्कॉन ज़रूर जाए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा जब भी आप जाओगे और यहाँ का कीर्तन सुनोगे। मेरे को तो सबसे बेस्ट लगता है यहाँ की चीज़ जो हो कीर्तन ही है, बाकी मंदिर की सुंदरता तो है ही, इसके तो क्या ही बात करें। और हमारी राइट साइड में अब है काफ़ी बूथ, जैसे कॉल एंड कनेक्ट सेंटर है और बुक सेंटर है, स्पिरिचुअल स्काई है, तो काफ़ी बूथ बने हुए हैं यहाँ पर, पोस्ट ऑफिस भी है यहाँ का। और ये देखिए बिल्कुल फॉरेन जैसी लुक आ रही है यहाँ की, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है इसको। यहाँ पे कुछ खाने की शॉप्स भी हैं जहाँ पर आपको जो भी आपको यहाँ पे फूड मिलेगा वो बिना लहसुन और प्याज के मिलेगा, ये यहाँ की खासियत है खाने की। अब चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और अभी शायद आरती का टाइम है, आरती चल रही होगी श्रीला प्रभुपाद जी की। और ये देखिए आपके सामने कितनी सारी जो है भागवत गीता रखी हुई है, सभी की सभी ट्रांसलेट की हुई है, जर्मनी में, इटालियन में, चीनी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश सब में मिल जाएगी आपको अगर जिस भाषा में आपको चाहिए। और ये देखिए कितना सुंदर है यहाँ का नज़ारा, कितना सुंदर बनाया हुआ है इस्कॉन मंदिर को, ये देखिए। और थोड़े बहुत कुछ डिवोटी आए हुए हैं अभी, ज़्यादा नहीं है क्योंकि दिन के समय थोड़ा कम ही भीड़ होती है यहाँ पर, रात के समय बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है क्योंकि रात को नज़ारा ही अलग होता है यहाँ देखने के लिए, सबसे ज़्यादा लोग कीर्तन सुनने ही आते हैं। तो अभी हमारे लेफ्ट में है कुछ प्रभु जी बैठे हुए हैं, उनको जानता हूँ मैं, चंडीगढ़ भी आते हैं इस्कॉन मंदिर में, काफ़ी बार आए हैं वो, आई मीन पर्सनली नहीं जानता, मैंने उनको देखा हुआ, जो अभी सेंटर में बैठे हुए हैं वो काफ़ी बार आते हैं इस्कॉन चंडीगढ़ में भी। चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं और थोड़ी आरती लेते हैं और आप सभी को दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, और आप सभी भी आशीर्वाद लीजिए आरती का। और यहाँ की एक अच्छी बात और बता दूँ आपको, यहाँ पर 24 घंटे कीर्तन चलता है, आप जब मर्जी आओ आपको कीर्तन ज़रूर होता मिलेगा यहाँ पर। अभी श्रील प्रभुपाद के आगे वहाँ पर आरती हो रही है, ये लीजिए आप आरती लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे अंदर और पहले आप श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन कीजिए। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ वीडियो को और बाद में भी आएंगे हम दिखाने आपको, अभी थोड़ी भीड़ है, जब आप यहाँ से भीड़ हट जाएगी तो आपको अच्छे से दर्शन कराऊंगा मैं। इसके बाद चलेंगे हम अंदर की तरफ जहाँ पर कृष्ण बलराम, हमारी राधा रानी और ठाकुर जी के दर्शन होंगे, सुंदर दर्शन जो है आपको दिखाऊंगा आज मैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आज आपको जितना हो सकता है कोशिश करूँगा मैं सब कवर अप कर सकूँ वीडियो में इस्कॉन मंदिर का। ये देखिए अभी चलते हैं हम अंदर की तरफ और अंदर भी कीर्तन चल रहा है, यहाँ अलग कीर्तन चलता है अंदर अलग चलता है, यही खासियत है इस मंदिर की। और दोस्तों मंदिर के चारों तरफ से काफ़ी जो है डिवोटी परिक्रमा भी लगाते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी लगा सकते हो, किसी को कोई मनाही नहीं है, तो काफ़ी लोग लगाते हैं तो मैं भी लगाता हूँ कई बार पर्सनली। तो अभी चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दर्शन कराता हूँ राधा रानी जी के और ठाकुर जी के। यहाँ भी काफ़ी प्रभु जो है बैठे हुए हैं और अभी जो हमारे सामने हैं ये सफाई जो चल रही है, यहाँ पर भी अभी आरती होगी और कीर्तन भी होगा, सामने श्रील प्रभुपाद जी को विराजमान कराया गया है, वहीं पर आरती होगी।
तैयारी अभी चल रही है यहाँ की, थोड़ी देर बाद ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से। पहले आप अंदर के दर्शन कीजिए। ये देखिए यहाँ का ये कीर्तन सबसे बेस्ट है। मैं काफ़ी इस्कॉन मंदिरों में गया हूँ, लेकिन ठीक है अच्छा होता है वहाँ का कीर्तन भी, लेकिन मेरे को जो सबसे अच्छा लगता है ये करते हैं यहाँ के, और काफ़ी फॉरेनर भी बैठे होते हैं वो भी कीर्तन करते हैं, ये यहाँ की बड़ी अच्छी बात है। और अभी आप थोड़ा आनंद लीजिए कीर्तन का। इसके कुछ समय बाद ही श्रील प्रभुपाद जी की एक टोली आएगी, उसके बाद जो है कपाट खुलेंगे और दर्शन होंगे, तभी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये देखिए ये टोली आ गई है, और अभी जो है कपाट खुलेंगे और दर्शन हो जाएंगे अभी, तो आप सब बने रहिए और ठाकुर जी के दर्शन करिए, सुंदर दर्शन जिसको कह सकते हैं आप। तीन कपाट हैं यहाँ पर, तीनों एक एक करके खुलेंगे और आपको तीनों के ही दर्शन कराऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। ये देखिए आई थिंक पहले कपाट में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन हैं, और उसके बाद होंगे कृष्ण बलराम जी के दर्शन, और फिर होंगे हमारी प्यारी राधा रानी और ठाकुर जी के दर्शन। ये देखिए एक माता जी हैं जो अपने लड्डू गोपाल को लेके आई हुई हैं ठाकुर जी को दर्शन कराने के लिए। काफ़ी भक्त लोग लेके आते हैं लड्डू गोपाल को वृंदावन में, और अभी कृष्ण बलराम जी के दर्शन करेंगे आप कुछ ही देर में। सभी डिवोटी जो वेट कर रहे हैं पर्दा हटने की। ये देखिए और ये है कृष्ण बलराम जी के सुंदर दर्शन, अभी आपको जूम करके दिखा देता हूँ मैं अच्छे से। और इसके बाद होंगे राधा रानी और ठाकुर जी के दर्शन, वो भी आप अच्छे से कीजिए, और मानसिक भावना से अपनी मनोकामना आप वहीं से घर बैठ के दर्शन कर सकते हो, और मानसिक भावना में आप अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हो प्रभु जी से। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और करते हैं दर्शन। अभी जो है खुलने ही वाले हैं राधा माधव जी के दर्शन, ये लीजिए। जय श्री राधा माधव की जय। ये देखिए कितने सुंदर दर्शन हैं, और हमारे राधा रानी और ठाकुर जी विराजमान हैं, और कुछ उनकी साइड में सखियां उनकी सेवा में हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो अभी मैंने आपको पहले दिखाया था जहाँ पर तैयारी चल रही थी आरती की, उस आरती का भी आनंद लीजिए आप। और काफ़ी भक्त लोग जो है डांस भी करते हैं शाम को, तो आप अगर आओगे तो आपको मतलब पहले तो भीड़ इतनी होगी, लेकिन यहाँ पर इतने लोग इतने भक्त लोग होते हैं जो अपने कीर्तन पर डांस करते हैं, तो वो नज़ारा वाकई देखने लायक है। अगर आप जब कभी भी
वृंदावन आपको मौका मिले आने का तो ज़रूर इस्कॉन आइए और यहाँ का नज़ारा लीजिए, आपको सुंदर दर्शन भी मिलेंगे। ये देखिए, मैंने कहा था ना आपको कि ज़रूर डांस करते मिलेंगे भक्त लोग। अब आप इसका आनंद लीजिए, हम मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। तो दोस्तों ये लीजिए, आपके सामने अभी है शिल प्रभुपाद जी। यहाँ पर अभी भीड़ नहीं है तो आप अभी अच्छे से दर्शन कर सकते हो। यहाँ भी सेवा में जो है फॉरेनर ही हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ की इस्कॉन की। यहाँ सबको एक समान ही समझा जाता है। और सामने हमारे हैं म्यूज़ियम, अभी वो खुला नहीं है वरना मैं आपको उसके भी दर्शन कराता। तो दोस्तों ये था इस्कॉन मंदिर वृंदावन का वीडियो। अभी मैं एक बार और इस्कॉन मंदिर वृंदावन के बाहर का आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर बना रखा है और भक्त लोग जो है आने शुरू हो गए हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं है, कम में ही है अभी। और ये देखिए बाहर का नज़ारा इस्कॉन मंदिर वृंदावन का, बैलगाड़ी आज भी यहाँ चलती है। तो दोस्तों आई होप आपको इस्कॉन मंदिर वृंदावन का वीडियो आज का पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।